हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल इज ग्राफिक जॉब सो आज मैं आपको कुछ नए टूल्स के बारे में बताना जा रही हूँ कुछ मज़ेदार टूल्स के बारे में और वो क्या है वो है ब्रश टूल कलर रिप्लेसमेंट टूल पेंसिल टूल एंड मिक्सर ब्रश टूल सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो लेट्स गेट स्टार्टेड जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक मेरे नया जो पेज है न्यू पेज, right? पेज है आप राइट एंड ये ब्लैंक जो है है पेज मेरे पास यहाँ पर वर्किंग स्पेस है तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ नए मजेदार टूल्स जैसे कि मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था तो वो टूल्स क्या है वो टूल्स कुछ इस तरह से हैं ब्रश टूल पेंसिल टूल कलर प्लेसमेंट टूल एंड मिक्सर ब्रश टूल सो हेरिंग टू वर्स फर्स्ट टूल इज योर ब्रश टूल वेरी इंटरेस्टिंग टूल ये लिया मैंने ब्रश टूल यहाँ पर जैसे ही आप ब्रश टूल को लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे ऑप्शन आते हैं यहाँ पर तो देर वराइटी ऑफ ब्रशेज ये जो डिफॉल्ट फोटोशॉप में गिवन है फोटोशॉप टू थाउजेंड टू में गिवन है राइट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पर स्पेशल फिट ब्रशेज देन देर जनरल ब्रशेज अलग अलग तरह के ब्रशेज हैं राइट तो मैंने यहाँ पर फिलहाल लिया है एक ब्रश दैट इज योर स्पेशल फिट ब्रश राइट मैंने ये लिया ब्रश को यूज करने से पहले हमें कलर सेलेक्ट करना पड़ता है तो हम कलर सेलेक्ट करेंगे जैसे कि आप में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सेट फोरग्राउंड कलर यहाँ पर ऑलरेडी डिफॉल्ट माय फेवरेट ब्लू कलर इज य तो मैंने यहाँ ब्लू कलर ले रखा है आप चाहें तो उसको ग्रीन भी ले सकते हैं एज पर योर चॉइस ये मैंने ब्रश लिया है यहाँ पर राइट नाउ सी ये देखिए ठीक है बिकॉज ये स्पेशल इफेक्ट ब्रश है तो इट इज कमिंग अप लाइक दिस इस तरह से दिख रहा है आपको राइट right? इसी तरह से अगर आपको नॉर्मल ब्रश भी चाहिए तो आप कुछ नहीं करना है आपको आपको क्या करना है आपको जनरल ब्रशेस में जाना है एंड नॉर्मल ब्रश लिया ठीक है ब्रश का जो साइज है आप कर्ली ब्रैकेट इन एंड कर्ली ब्रैकेट आउट से जो है सेट कर सकते हैं जैसे मैंने सेट किया राइट right? ये देखिए ठीक है ये देखिए क्लियर दिस इज लाइक इज अ ब्रश आप कलर कोई और भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहते हैं आप ब्रश का कलर चेंज करना यस यू कैन चेंज द कलर ऑफ द ब्रश एस वेल राइट ठीक है तो ये नॉर्मल ब्रश है सिंपल ब्रश है राइट ब्रश की जो डिटेल्स है बिकॉज ब्रश जो है फोटोशॉप में बहुत ही मजेदार सॉफ्टवेयर इसमें आप पेंटिंग्स भी बना सकते हैं डिजिटल पेंटिंग्स भी हम बनाते हैं हम एडिटिंग भी करते हैं ब्रश के थ्रू तो वो सब एडवांस चीज़ें मैं आपको आ, आ, आने वाली अपकमिंग वीडियोज में बताऊँगी फाइन हेरिंग टूअर्स आर नेक्स्ट टूल इज योर पेंसिल टूल पेंसिल टूल यहाँ पर मैंने लिया एंड पेंसिल टूल में यहाँ पर क्या है ये देखिए मैंने कलर लिया ब्लैक जैसे नॉर्मल आप पेंसिल यूज करते हैं यहाँ से मैंने नई ले ली राइट हैंड साइड से ये तो जैसे हम पेंसिल यूज करते हैं वैसे ही ये टूल भी यूज होता है राइट तो अगेन ब्रैकेट इन कर्ली ब्रैकेट इन एंड कर्ली ब्रैकेट आउट से जो है ब्रश का जो साइज है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं एंड यस yes, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार आपने आपको ब्रश विजिबल ही ना हो और आपको लगे अरे ये क्या प्रॉब्लम हो गया तो वो प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपने कैप्स लॉक अपना ऑन रखा हुआ है तो आपको अपना जो ब्रश है या टूल है वो विजिबल नहीं होगा तो मेक इट श्योर कि कैप्स लॉक आपका ऑफ हो फाइन तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है पेंसिल टूल एंड सिंपल आप कुछ भी बना सकते हैं पेंसिल ये देखिए बट हाँ ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आप कोई चीज फिल करना चाहते हैं तो जहाँ से शुरू किया है उसको वहां पर जाके क्लोज भी करें जैसे कि मैंने किया है राइट डन इट इज लाइक दिस नाउ तो ये था आपका बहुत ही बेसिक सिंपल अबाउट ब्रश टूल एंड पेंसिल टू राइट ना हेरिंग टू वर्स अ नेक्स्ट टूल वेरी इंटरेस्टिंग टूल इज योर कलर रिप्लेसमेंट टूल सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें एक नई इमेज लेनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक नई इमेज ली आई गो दिस इमेज एंड ओपन ठीक है मेरे पास इमेज है आपको जो एक्चुअल साइज या पेज का साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल जीरो आप कर दीजिए यू विल कम ऑन डैट राइट यहाँ लिया तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो नाशपति जो है मेरे पास है पिक्चर में इस फोटो फोटोग्राफी अब मैंने क्या किया मुझे कलर रिप्लेसमेंट टूल कलर रिप्लेसमेंट टूल करता क्या है सी कलर जो रिप्लेसमेंट टूल है इट इज बेसिकली यूज टू चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप किसी भी ऑब्जेक्ट का या जो है कलर चेंज कर सकते हैं ठीक है वेरी इंटरेस्टिंग टूल इसके बहुत सारे यूज होते हैं आपकी फोटोग्राफी में एडिटिंग में हाई एंड एडिटिंग में जो मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियोस में एडवांस वीडियोज में राइट right? मैं बताऊंगी और जो हमारा स्पेशल जो फोटोग्राफी का जो पार्ट चलेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी सो कलर रिप्लेसमेंट टू मैंने यहाँ लिया अगेन एज यूजल आप देख सकते हैं कि इसमें एक नेचुरल कलर है आई वॉन्ट टू चेंज द कलर बिकॉज फोटोशॉप में तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना तो so, मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया आई हैव टेकन अ कलर दैट इज लाइक सम वॉट लाइक एल गो विद ऑरेंज लाइट मैंने ये लिया ठीक है जब ओपन ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर मोड्स नजर आएंगे कलर ह्यूमन राइट तो टू तो तो चेंज द कलर विल गो कलर मोड वेरी इजी आपने लिया आप जूम किए जब भी आप टूल यूज करें ऐसे कोई टूल यूज करें तो मेक इट शॉर्ट कि आप अपनी जो फाइल साइज है उसको जूम करें तो वैसे तो आप जूम कर सकते हैं जूम का ऑप्शन गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे इसके क्लिक कर, कर भी आप जूम कर सकते हैं प्लस या माइनस अदरवाइज द शॉर्टकट कमांड फॉर जूम इज कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल माइनस इज टू जूम आउट मैंने कंट्रोल प्लस किया है फिलहाल यहाँ पर देखो है कैसे करता ये देखिए का छोटा बड़ा आप कैसे करेंगे मैं पहले बता चुकी हूँ कलर ब्रैकेट इन एंड कॉलर ब्रैकेट आउट सी देख रहे हैं आप तो ये क्या करता है विदेक्टिंग द टेक्शर ये जो है कलर को चेंज करेगा ये देखिए इसके बहुत मजेदार यूजेस होते हैं जब आप आगे मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सी वाचिंग दिस ये डन सो कमिंग बैक टू द नॉर्मल साइज तो हम आते हैं कंट्रोल मैंने जीरो किया यू कैन सी सो वन नाशपाती इज ग्रीन एंड वन नाशपाती इज लाइक अ स्लाइटली पीचीश ठीक है ओके नाउ हेडिंग टू द नेक्स्ट टूल इज़ योर मिक्सअप ब्रश टूल ना जो मिक्सअप ब्रश टूल है मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज जो हमारा पेंटिंग का जो सेगमेंट चलेगा आई विल बी टेलिंग यू द डिटेल्स एंड एवरी थिंग अबाउट दैट बट फिलहाल आपके लिए जानना जरूरी है कि जो कलर मिक्सअप ब्रश टूल है बेसिकली जो कलर मिक्सअप जो मिक्सअप ब्रश टूल है वो क्या यूज़ होता है इट अलाउज़ यू टू पेंट राइट इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग दी राइट एक सिंपल सा मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ फिलहाल बट राइट बट इट वुल बी मोर इफेक्टिव और आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा जब मैं इसकी डिटेल्ड जो है एक एडवांस वीडियो आपको सिखाऊंगी तो मिक्सअप ब्रश टू लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं लोड ब्रश क्लीन ब्राश ब्रश तो लोड ब्रश इज लाइक क्लीन ब्रश यानी कि आपने कोई कलर लिया है या चेंज करना था क्लीन द ब्रश राइट सी क्लीन ब्रश कम्प्लीटली क्लीन राइट right? यहाँ पर आए देन यहाँ पर आप ऑप्शन में आते हैं कस्टम ड्राई लाइट लोड दीज आर ऑल ब्रश टाइप्स जो आपको यूज जो आप यूज कर सकते हैं ठीक है आई हैव टेकन ड्राई ब्रश नाउ हर कम्स द नेक्स्ट इज ऑप्शन और भी आ रहे हैं वेट लोड आप इनमें जो है थोड़ा थोड़ा हेयर इफेक्ट करके देख सकते हैं हल्का फुल्का ठीक है ये चीज़ मैंने यहाँ पर ली तो ये लिया यहाँ पर एन सी वॉट इट इज लाइक तो इट इज़ लाइक दिस एज यू कैन सी इट्स मिक्सिंग देखो आप ये मैंने यहाँ लिया इसको आप थोड़ा सा और कर लेंगे तो ये देखिए आप वेट को मैंने वेट को उठाया तो ये देखिए मिक्सिंग जो आपका मिक्सर ब्रश टूल है एज आई एम टेलिंग यू कि कलर मिक्स करने के लिए होता है तो इसका ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो कहाँ होगा पेंटिंग्स में ठीक है हम इसको जो है एडिटिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं मैं आपको कमिंग अप में बताऊँगा कि हाउ इट कैन बी यूज इन एडिटिंग एज वेल सी वेन वी टॉक अबाउट फोटोशॉप फोटोशॉप इज़ अ बॉस ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ ग्राफिक्स राइट सो इसमें एक टूल के बहुत सारे यूज होते हैं बहुत सारे यूज़ और मैं आपको हर टूल का जो है यूजेस बताऊंगी कि एक टूल के साथ आप क्या क्या चमत्कार वॉट मैजिक यू कैन क्रिएट विद वन टूल राइट आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा सो स्टे टून विद फॉर आर नेक्स्ट वीडियो बाय बाय नमस्ते